तो दोस्तों, परसों मैं YouTube शॉर्ट्स के लिए वीडियो बना रहा था, तो फिर मुझे एनिमेशन वाइब्स की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिली और मैंने वीडियो ऑन किया और मुझे दिखा सोचू अ बुक सीरीज। फिर जब मैंने पूरा वीडियो देख लिया तो मैंने सोचू के बारे में पता लगाया और मुझे इस बुक सीरीज की कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने का फैसला किया। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। करता हूँ बाबा, करता हूँ। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सोचू क्या है, तो मैं आपको बता दूं, सोचू एक बुक सीरीज है जिसके अंदर 12 किताबें हैं, जिसे आप ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से 3,600 रुपये में खरीद सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, सोचो कि बुक सीरीज को संचित पोहरा द्वारा बनाया गया है और ये जो बुक सीरीज है इसमें किसी भी तरह की एक्शन, वायलेंस, झगड़ा जैसी चीज बिल्कुल नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें मज़ा कैसे आएगा, तो दोस्तों मैं बता दूँ, आज से लगभग 6 साल पहले अराउंड 2014 टू 2016 के टाइम में संचित बोड़ा कहीं बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने एक बच्चे को देखा जो कि अपनी माँ से कह रहा था, मामा मामा मैं इस हिप्पोपोटामस को उठाकर पटक दूंगा। कोई सेंसेस बात? और जितने भी लोग वहाँ थे दे वाज लाइक, अभी तो ये बच्चा है, ये तो यही हरकतें ही करेगा। पर संचित बोड़ा सोचने लगे कि इस बच्चे के माइंड में ये कैसे आया कि वो हिप्पोपोटामस को उठाकर पटक सकता है। ऑथर समझ गए थे कि वो बच्चे ये सब टीवी देखकर सीख रहा था, और टीवी में तो आप सभी तो जानते होंगे कि बच्चे कार्टून ही देखते होंगे, और कार्टून से ही बच्चे ये सब सीख रहे हैं कि एलिफेंट को उठाकर पटक देना, हिप्पोपोटामस को उठाकर पटक देना, गेंडे को उठाकर पटक देना। वे सोचने लगे कि बच्चे टीवी देखकर कहीं ना कहीं वायलेंस की ओर बढ़ रहे हैं। तभी उन्होंने सोच लिया कि वह एक ऐसी कार्टून बनाएंगे जिसमें वायलेंस ना हो। और मैं बता दूं दोस्तों, इस बुक की कॉन्सेप्ट, स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स इतने मस्त है कि आप पूरे दिन 12 किताब को दिन भर में पढ़ डालेंगे। मैंने इसकी पहली बुक सोचू थिंक आउटसाइड द बॉक्स पढ़ी तो मुझे इतना मज़ा आ गया कि मैंने सोच लिया था कि इस बुक पर तो वीडियो बनाने ही पड़ेगी, कैरेक्टर्स इन सोचू। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सोचू कुमार की, जो कि इस कार्टून का लीड कैरेक्टर है। इसके नाम में ही सोचना है और ये बहुत अधिक सोचता भी है, और ये लगभग सभी लोगों से प्यार करता है। और इस बच्चे की जो सबसे खास बात है वह यह है कि वह नए नए किताबों को पढ़कर जानकारी हासिल करता है। और इस कार्टून में हमें सोचू के दोस्त अंजू, मंजू और राजू देखने को मिलते हैं। अंजू जो है वह एक टॉपर टाइप के स्टूडेंट है और वह अपने दोस्तों के हर सवालों का आंसर देती है। और मंजू को आप हेल्दी, एथलीट और हैप्पी पर्सन कह सकते हैं। और राजू जो है वो हमेशा हंसता रहता है और उसका सपना है कि वो बड़ा होकर एक जोकर बने। और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं इस कार्टून में, जैसे रहमान, शेर सिंह, रॉबर्ट, जूली, मिसेस कुमार, मिस्टर कुमार, दादी, प्रेम, मिसेस विलियम्स और चतुर। वाई शुड वी रीड दिस बुक? तो दोस्तों, इस बुक में हमें नेचर के प्रति प्यार, लोगों से ना झगड़ना, सीक्रेट ऑफ सक्सेस जैसी बातें सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें नेचर इशू के बारे में भी बताया गया है जो कि हर बच्चों को जानना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बताऊं कैसे, इसके हर एक बुक की एक अलग क्रिएटिविटी है। लाइक बुक 2 में आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं उस पर एक स्टोरी है, बुक 3 में पोल्यूशन को रोकने के बारे में बताया गया है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि इसके और कई किताबों को पढ़ेंगे तो बच्चे क्या क्या जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, अंत में सवाल आता है कि क्या इस बुक सीरीज की कभी टीवी सीरीज की कार्टून बनेगी? तो मैं बता दूं, इसके बारे में मैं उतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये टीवी चैनलों के ऊपर निर्भर करती है कि वो कॉन्सेप्ट को लेकर कार्टून बनाएंगे कि नहीं और वो इसे अपने चैनलों पर दिखाएंगे कि नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वे इसे ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि इसकी जो बुक सीरीज है ना वो बहुत से लोगों के द्वारा पसंद किया गया है और ये बहुत ज़्यादा बिकी भी है, और बच्चों के लिए ये एक फ्रेंडली शो है। तो
मैं तो कहूँगा ये टीवी पर जल्द से जल्द आ जाए, और आप चाहते हैं ये टीवी पर जल्द से जल्द आए तो आप इस वीडियो को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचो के बारे में जान सकें। और ये टीवी सीरीज तभी बन पाएगी जब टीवी वाले जो हैं संचित बोरा जैसे लोगों को फंड्स देंगे, तो हमें संचित बोरा जैसे लोगों को हमें से सपोर्ट करना चाहिए, तभी इस तरह के परफेक्ट कार्टून्स हम टीवी पर देख सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।